اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو زپ لگانے کا طریقہ بتائیں گے آپ نے ایک کپڑا کاٹ لینا ہے جس کی لمبائی 8 ہو وہ ایک پی چھوٹا ہو اور ایک بڑا ہو یہ دیکھو نیچے والے کی 8.5 ہو اور اوپر والے کی 8 ہو اور جہاں زپ لگانی ہے اس کی نشان لگا لینے آپ نے دونوں سائڈوں سے انچی انچی کپڑا چھوڑ کر 5.5 پر نشان لگا لینا ہے जोन सी है अपनी तरफ रखनी है और छोटा कपड़ा जोन सा वो नीचे रखना है अपने ऐसे कपड़ा रखकर आपने इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है थे और इधर आपने एक पैर के दबाव जितनी सिलाई लगा लेनी है इसके बाद आपने ये कपड़ा काट लेना है सेंटर से आखिर से आपने इसी तरह टुकड़े लगा लेने हैं ये कपड़ा हमने काट लिया है अब हमने इसको अंदर की तरफ काट देना सारे कपड़े को काटकर हमने इधर एक किनारी की सिलाई लगा ली है दोनों तरफ से हमने किनारी की सिलाई लगा लेनी है ये हमारे पास एक जिप है इसके हमने ये वाली कुंडियाँ निकाल देनी है जिससे क्या होगा हमारी मशीन को कोई नुकसान नहीं होगा और सुई भी नहीं खराब होगी आपने जिप इस तरह रख लेनी है ये हमारी जिप तैयार हो चुकी है ये तरीके से आप जिप लगाएंगे आपकी जिप बहुत खूबसूरत लगेगी अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें शुक्रिया